मिलन अपनी फिल्मों के जरिए सबको रेस दिखाते हैं, लेकिन आज हम मिलन को लेकर आ गए हैं रेस कोर्स में। हाय मिलन, वेलकम टू जूम। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले बताइए, आज यहाँ फिल्मों में तो हम देखते हैं सब, आप एक्ट्रेस के थ्रू हमें दिखाते रहते हैं, बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं आज? यहाँ पे हमारी फैमिली की एक रेस है, मेरे वाइफ की फैमिली की, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से ये रेस पिछले 40-50 सालों से हर साल यहाँ पे होती है। अच्छा, एक तरह से इसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था, आप विद्या के साथ आए थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, राइट? तो एक तरह से वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की प्रमोशन की शुरुआत समझ लें इसे। ये पर्सनल इवेंट है लेकिन हाँ, जाहिर है कि अगर मैं और सोनाक्षी एक साथ आएंगे तो लगेगा कि प्रमोशनल इवेंट है। बट मज़ा तब आएगा जब इमरान, अक्षय, सोनाक्षी, सोनाली, मैं सब एक साथ आएँ, तब ये रेस कोर्स में और चार चांद लगाएंगे। तो ऐसी कोई प्लानिंग बन रही है? जी बिल्कुल, अभी तो हम शूटिंग कर रहे हैं दिन रात और काफ़ी मतलब वक्त लगेगा, 6-8 महीने के बाद ये फिल्म तैयार होगी और अगले साल रिलीज़ है, तो ईद पे रिलीज़ है, तो उस वक्त ज़रूर आएंगे। ओके, इसके अलावा अगर बॉलीवुड के रेस के बारे में बात की जाए तो मिलन क्या कहेंगे, किस तरह की रेस होती है बॉलीवुड में? मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेस होती है, जैसे कि आपने देखा जो यहाँ पे होती है, ये कभी कोई घोड़ा आगे, कभी थोड़ा सा पीछे, कभी थोड़ा सा आगे, तो ये मेरे ख्याल से, लेकिन जो दिलचस्पी है ये इस रेस के जीतने वाले घोड़े की, ये हमेशा चलती आई है, हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आजकल जो स्टार्डम है वो काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है। तो अगर सलमान खान का एक किस्म का सक्सेस है, आमिर का अलग किस्म का सक्सेस है, अक्षय का अलग किस्म का सक्सेस है, बाकी बहुत सारे हीरोज़ हैं, सेम थिंग विद हीरोइंस, हर एक ने अपनी यूनिक पहचान बना ली। ऐसा नहीं है कि 1-2-3 में रेस है, सारे लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग किस्म की फिल्में बना रहे हैं, बड़े बड़े नंबर्स क्रिएट कर रहे हैं। सो आई थिंक देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन इट, इज़ जस्ट फॉर द पब्लिक टू एंजॉय कि तेंदुलकर बेटर बैट्समैन है या सहवाग बेटर है या गावस्कर बेटर था, इट्स ओके, इट्स फन। अच्छा, आप इसके अलावा आपकी नेक्स्ट जो फिल्म जिसकी काफ़ी चर्चा है, सैफ अली खान, पहले ये था डबल रोल करेंगे, अभी ये संजय दत्त उसमें है, सेकंड लीड में है, तो क्या रियलिटी क्या है? रियलिटी अभी तक तो यही है कि हम दिन रात वंस अपॉन अ टाइम की शूटिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो इतना वक्त मिला नहीं है कि हम उसकी कास्टिंग करें या उस पर चर्चा करें, तो जब जैसे जैसे तैयारी होगी तो बताएंगे आपको। एंड व्हाट अबाउट कैटरीना, इज शी फाइनलाइज्ड फॉर यू? नथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड, वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट, इट विल टेक एटलीस्ट 6 मंथ्स। प्रेफरेंसेस तो फिर भी तो आपके होंगे ना, कोई कहानी से प्रेफरेंसेस आएंगे, तो नो कंट्रोवर्सीज। थैंक यू, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।